क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका पार्टनर आपको मेंटल टॉर्चर करता है मगर फिर भी आप प्यार करते हैं? तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि ये ट्रॉमा बॉन्ड का सिग्नल है। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये ट्रॉमा बॉन्ड क्या है, तो आपको बता दें कि ट्रॉमा बॉन्ड एक अनहेल्दी रिलेशनशिप की निशानी है। किसी भी रिलेशनशिप में जब ये सिचुएशन आती है तब इंसान मजबूरन दर्द, चिंता और अब्यूज सहने के चक्कर में फंस कर रह जाता है। आप अपने पार्टनर को प्यार भी करते हैं और उनकी कुछ बातें आपको काफी तकलीफ भी देती हैं, लेकिन आप उनसे इस डर से कुछ कह नहीं पाते कि कहीं आपको उनसे दूर ना होना पड़ जाए। ऐसा उन रिलेशनशिप्स में ज्यादा होता है जिनमें एक पार्टनर तो काफी सीरियस होता है मगर दूसरा नहीं होता है। ट्रॉमा बॉन्ड जैसे सिचुएशन में आप काफी सैड फील करते हैं। हो सकता है कि आपको आपका पार्टनर पसंद भी ना हो, लेकिन उससे दूर होने का सोच कर भी आप फियरफुल हो जाते हैं। जब आप उन्हें छोड़ने का विचार करते हैं तो आप फिजिकली और इमोशनली डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं। आप उन पर भरोसा करना तब भी जारी रखते हैं जब आपका भरोसा डगमगा रहा होता है। आप उनको खोने के डर से उनकी सारी बातों पर अग्री कर जाते हैं। उनके द्वारा किए जा रहे मिस बिहेवियर को भी आप नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। ये सारी बातें ट्रॉमा बॉन्ड की पहचान है। एक ट्रॉमा बॉन्ड के साइन को पहचानना बहुत जरूरी है और इससे बाहर निकलना भी, क्योंकि इसके कई बार सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं ट्रॉमा बॉन्ड से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने प्रेजेंट पर ध्यान दें। आप कभी ये ना सोचें कि आपका पार्टनर अगर आपको सॉरी कह रहा है तो वो बदल जाएगा और आपके साथ अच्छा बिहेव करने लगेगा। इस बात को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें कि आपके साथ प्रेजेंट में क्या हो रहा है। प्रेजेंट की सिचुएशन पर विचार करें और फिर कोई फैसला लें। दूसरी बात, सबूतों पर ध्यान दें। अगर आपका पार्टनर आपको गाली देता और मारपीट करता है या जरूरत पड़ने पर आपकी मदद नहीं करता, लेकिन फिर भी आप उनसे प्यार करते हैं, तो सावधान हो जाएं और ऐसे रिश्ते से तुरंत बाहर निकल जाएं, क्योंकि ये सब कभी खत्म नहीं होने वाला। आप उन बातों को इग्नोर ना करें जो आप खुद अपने सामने होते हुए देख रहे हैं। लास्ट है कि खुद से बातचीत कर सॉल्यूशन निकालें। कई बार हम खुद से बातचीत करके भी कई सवालों के जवाब खोज लेते हैं, क्योंकि अपने सिचुएशन को हम बाकियों से बेहतर जानते हैं। इसलिए ऐसी सिचुएशन में खुद से बात करें और सॉल्यूशन निकालें। और इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हेल्थ लाइव के साथ।